हमारे बिहार के लोग बोलते तो मिठाई है लेकिन खाते तीखा। पीजी आप कुछ दू सब बोलिए पटना के बारे में। पटना पटना है तीखा। पूरा तो रोज ही खाना चाहिए, रोज खाना चाहिए, इसलिए कि दांत का एक्सरसाइज होता है और लीवर का ठीक रहता है, लेटिंग क्लियर होता है, रोज ही खाना चाहिए। बिहार किसी से कम नहीं है और बिहारी भी किसी से कम नहीं है। बिहार की राजधानी पटना में आपका स्वागत है। हम अपने जायके की शुरुआत करने से पहले महावीर मंदिर का दर्शन करेंगे, फिर आपको यहाँ के पारंपरिक नाश्ते से रात्रि भोजन तक का जायका दिलवाएंगे। आइए हमारे साथ। आइए अब चलते हैं अपने जायके के सफ़र की शुरुआत करते हैं सुबह के नाश्ते से। आइए क्या क्या है हमको तो भाई चार पूरी दो जलेबी एक दही भरा है। और सब्जी किस चीज़ का है? सब्जी आलू पालक। आलू पालक और ये क्या डालते हैं ऊपर से? वो रहता है, रहता। बूंदी का रायता, आलू चने की सब्जी, दही बड़ा और जलेबी। दो जलेबी रहता है। दो जलेबी, ये पूरा थाली 30 रुपए का ये रहता है। रायता में राई पड़ता है, उसके बाद करवा तेल पड़ता है, काला नमक पड़ता है। करवा तेल पड़े तो सरसों का तेल। हाँ, सरसों का तेल। चना आलू का सब्जी है, उसमें पालक दिया हुआ है, पालक है, ऐसी मिक्स है। ये प्योर उड़द दाल का है। उड़द दाल का बड़ा? हाँ, उड़द दाल का बड़ा में गोलकी जीरा पड़ता है, इसमें पड़ जाएगा ये जमाइन पड़ता है, ब्लीचिंग पाउडर पड़ता है, थोड़ा सा मीठा सोडा पड़ता है फुलाने के लिए। हाँ, तो गोलकी बोले तो काली मिर्च, काली मिर्च जीरा, और अजवाइन बोले तो अजवाइन। चलिए, और साथ में पूरी है। पूरी है, जो कचौड़ी बोलते हैं यहाँ पे? नहीं, हम लोग तो कचौड़ी है, ये पूरी है बोला जाता है। अच्छा, पूरी बोलते हैं। पूरी और ये जलेबी। ये पूरी है और जलेबी है। हाँ, पूरी में मैदा और आटा मिक्स है। तो ये जो थाली है ये रोज यही बनती है नाश्ते में? सब्जी बदलती, सब्जी अलग बनती रहती है? नहीं, सब्जी चेंज होती है। तो कभी कद्दू आलू रहेगा, चना रहेगा, कभी चना दाल रहेगा, बंदा रहेगा, और उसमें चना का दाल रहेगा, आलू रहेगा। तो मतलब सब्जी बदलती रहती है, पूरी, जलेबी, रायता और बड़ा रोज रहता है। ये डेली का आइटम है। सुबह से कितने बजे मिलना शुरू हो जाता है ये? 6:30 में चालू हो जाता है। 6:30 बजे से कितने बजे तक मिलता है? 12:30। 12:30 तक ये नाश्ता मिलता है, उसके बाद फिर एक घंटा बंद हो जाता है, उसके बाद लीची, लौंगलता और दही वड़ा ये भी। अच्छा, इस दुकान के बारे में बताया, कितने साल पुरानी दुकान है ये? तो लगभग लगता है 15 साल हो गए। 15 साल हो गए इस दुकान में। मैं जब से आया हूँ देखा हूँ इतनी भीड़ है, लगभग एक घंटे से मैं इस स्टेशन के आसपास घूम रहा हूँ, तब से भीड़ मुझे इस दुकान पे देखने को मिली है। भीड़ ये है कि सारा गर्म खाना मिलता है, फ्रेश मिलता है, फ्रेश मिलता है जी। और क्वालिटी जो है ना हमारे पास, क्वालिटी जो है, क्वालिटी सब स्टैंडर्ड है। जैसे तेल स्टैंडर्ड रहेगा, रिफाइंड स्टैंडर्ड रहेगा, मैदा स्टैंडर्ड रहेगा, तो स्टैंडर्ड क्वालिटी पर ही है। बहुत ही बढ़िया खस्ता पूड़ी, साथ में आलू चने पालक की सब्जी, इसमें कम मसाले हैं, और साथ में एक दही बड़ा मिलता है। जलेबी इसमें कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया, और बिल्कुल रनी पतला रायता बूंदी का।
चीनी तो बहुत तेज है, बहुत तेज है, जल गया इसीलिए कम हो गया। अभी आप बोले कम होगा फिर हमको चीनी ज़्यादा दे दिए, ये गलत बात है। देखिए बहुत कम डालते हैं हमारी, जल गया हाँ ज़्यादा डाल दिए हैं, बहुत कम हो गया, जल रहा है ना दूध, हाँ मीठा ज़्यादा हो रहा है, दूध का मिठास भी आ गया इसमें। चाय तो बहुत ही उम्दा है लेकिन काफ़ी मीठा है। आन बान शान बिहार की पहचान, लीजिए आ गए हम पुरानी लिट्टी दुकान। नमस्कार जी, हमारी दुकान 1956 से और इस परंपरा को हम जीवित रखे हैं कि बिल्कुल जो घर में स्टाइल में बनता है पुरानी पद्धति से लिट्टी, वही पुरानी पद्धति मेरा आज भी चलता है हमारे यहाँ। बाकी जगह नए नए रूप से लिट्टी को थोड़ा चेंज किया गया है लेकिन हम वही पुराना परंपरा लेकर चलते हैं, जिसमें शुद्ध चने का सत्तू, अजवाइन, काली मिर्च ये सब होता है, लहसुन होता है, ताकि मज़ा आए खाने के बाद। और जब लिट्टी जब अंगीठी पर जब सेकाई होती है तो उसका एक अलग फ्लेवर निकलता है, और जब शुद्ध घी में अगर मिल गया तो फिर लाजवाब, उसका स्वाद और दोगुना हो जाता है। और सबसे मतलब मुझे एक बात का हमेशा एक अफसोस भी रहता है, जैसे देखा जाए तो राजस्थानी दाल बाटी चूरमा इतना पॉपुलर हुआ, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में मिलना शुरू हो गया, लेकिन जो बिहार का लिट्टी चोखा उस तरह से उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। जी हाँ जी हाँ, आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे जी, क्योंकि बिहार का सबसे लोकप्रिय व्यंजन और सबसे स्वादिष्ट व्यंजन लिट्टी चोखा आज कहीं ना कहीं बिहार के तमाम बड़े होटलों के मेनू लिस्ट से गायब है जी। ये हम बिहारियों के लिए दुख की बात है। बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ मैं, हम पूरे बिहारियों के लिए दुख की बात है। हम मेरा चाहना है कि हमारे बिहार के जितने बड़े रेस्टोरेंट हैं सबसे पहले हमारा लिट्टी चोखा होना चाहिए, ताकि लोग जाने, जो बिहार के बाहर के लोग आ रहे हैं वो जाने कि लिट्टी चोखा है क्या, लोग क्यों पसंद करते हैं। देखिए वही बात करिए, आप बात करिए डोसा का, डोसा साउथ से चला पूरे देश भर में फैल गया, और आप बात करें दाल बाटी चूरमा भी हर जगह राजस्थानी रेस्टोरेंट में ढाबे में जाएं आपको मिल जाएगा खाने को, लेकिन लिट्टी चोखा हर जगह नहीं मिलता, ऐसा क्यों? जबकि इतना हेल्दी ऑप्शन है खाने का, इतना हेल्दी होता है, आटे से उसके अंदर सत्तू भरा जाता है, सत्तू में खुद इतना प्रोटीन होता है, और इतना अच्छा आप बता रहे हैं लोकप्रिय व्यंजन भी है यहाँ का, तो वो पता नहीं पॉपुलर क्यों नहीं हो पाया। लगता है मुझे ज़रूरत है इस समय कि उसको स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए, साथ में अच्छी पैकेजिंग की जाए और उसको अच्छे से ब्रांडिंग भी की जाए ताकि ये डिश पॉपुलर हो सके। लोग प्रदेश जाते थे जी तो लिट्टी साथ में इसलिए लेके जाते थे ताकि ये एक से अधिक दिनों तक खराब नहीं होता, तो लोग इसलिए लिट्टी चोखा को पसंद करने लगे, और हमारा लिट्टी धीरे धीरे बिहार के बाहर के लोग खाने लगे तो उनको अच्छा लगने लगा। हम जितने भी बिहारवासी हैं उनको लिट्टी चोखा काफ़ी पसंद है। क्या क्या डालते हैं आटे में? आटे में इसमें दूध पड़ता है, अजवाइन पड़ती है, उसके बाद मंगरेला, नमक, और अपना जो पिसान आटा होता है जिसमें घर में रोटी बनता है जो जिस आटे का जी, उस आटे का हम लोग, और शुद्ध चने का सत्तू। तो इसका आपका हाथ जलता नहीं है इसको करते हुए? जलता तो है तो सर, लेकिन पेट के आग से थोड़ी ज़्यादा बड़ा कोई आग। अरे क्या बात है, ये तो आप बहुत बड़ी बात आपने बोल दी, पेट के आग से ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं होता, ज़्यादा बात कुछ नहीं होता। जब भी लिट्टी देखता हूँ तो मुझे गाना याद आता है मनोज तिवारी का, इंटरनेशनल लिट्टी चोखा। जी जी, ये ना खाई धोखा, हाँ ये ना खा धोखा, झाड़ के झंडा आई गई बा यूपी और बिहार में, ऐसे ही है ना कुछ जी, जी। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा। इसमें बैंगन है, टमाटर है, धनिया का पत्ती है, बिना कलर केमिकल का, और आलू, आलू मतलब इसमें तमाम वो चीज़ें जो हमारे बिहार के सारे किचनों में मिलता है। तो ये जो लिट्टी है इसको आपने घी में
डुबो के उसके बाद चोखे के साथ सर्व किया है। साथ में ये हरी मिर्च का होना बहुत ज़रूरी है लिट्टी के साथ, और ये आलू बैगन का चोखा है, आलू बैगन टमाटर। तो लिट्टी के जो सत्तू होता है उसमें क्या क्या डालते हैं? सत्तू में अजवाइन, काली मिर्च, लहसुन और हरी मिर्च, अदरक। नींबू डालता है उसमें? नहीं, नींबू नहीं डालते हैं हम लोग। जबकि लगभग कभी कभी घर पर बनाते हैं उसमें नींबू डाल देते हैं थोड़ी खटास के लिए। बहुत ही उम्दा चोखा एक्स्ट्रा मिल जाता है। हाँ जी, तो चोखा वैसे ही बैगन को पहले भूनते हैं। हाँ, उसके भूनने के बाद को पहले छोटा छोटा पीस करते हैं। अच्छा, क्योंकि बैगन में कभी कभी कुछ अवगुण भी निकल जाता है, कीड़ा आ जाता है कभी कभी, इसलिए बैंगन को छोटा छोटा स्लाइस काटना जरूरी है। उसके बाद हम लोग उसको स्टीम करते हैं। तो भून के नहीं बनाते? नहीं। सरसों के तेल की काफ़ी अच्छा जो पंजन टेस्ट होता है वो इसमें आ रहा है, काफ़ी तेज़ है सरसों का तेल। इनफैक्ट क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है ना, तो इस समय हम लोग थोड़ा इसमें स्पेशल मसाला डालते हैं, तो ताकि हमारे यहाँ 90% पुराने कस्टमर हैं, 10% नए कस्टमर हैं, तो उनके स्वाद का ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे कस्टमर ऐसे हैं जो दिन भर में दो बार आके खाते हैं, सुबह एक शाम में, तो उनके स्वाद का तो ख्याल रखना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि इस ठंड के टाइम पे इसमें लहसुन, अजवाइन और मसाला थोड़ा तेज़ कर दिया जाता है ताकि थोड़ी गर्माहट बनी रहे। क्या बात है, और इसमें काली मिर्च भी है, बहुत बढ़िया। इसमें देखा जाए तो हल्की सी देसी घी की मिठास है, हल्का कड़वापन सरसों के तेल का, तो काफ़ी अच्छा बैलेंस कर रहा है इसमें। जो चीज़ें विंटर्स में खाते हैं वो समर्स में खाते हैं वो बदलती रहती हैं। बस एक लिए एक डिश लिट्टी चोखा है जो सालों भर खाते हैं लोग, और काफ़ी फिलिंग डिश है। इसके बाद खाने के बाद आपको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देता है कि पूरा दिन आप सर्वाइव कर जाएँ इस पर, है कि नहीं? और इसको आप सुबह ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, दोपहर में खाने के साथ भी खा सकते हैं, और रात्रि भोजन के साथ भी खा सकते हैं। और खासकर सत्तू की बात की जाए, सत्तू के और भी काफ़ी वेरिएशंस हैं। सत्तू एज अ ड्रिंक भी लोग बनाते हैं, और सत्तू का शरबत बना के पीते हैं लोग, साथ में सत्तू का पराठा भी बनता है। और ये तो काफ़ी पॉपुलर व्यंजन है ही सत्तू की लिट्टी। बहुत ही बढ़िया सर, धन्यवाद उनसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको कि आगे आने वाले टाइम पर ये लिट्टी चोखा और पॉपुलर हो और भी स्टेट के लोग इसका जायका ले सकें। मिर्च की ज़रूरत ऐसे है नहीं, नहीं बहुत सारे लोग और तीखा करते हैं। हाँ, हमारे बिहार के लोग बोलते तो मीठा ही हैं लेकिन खाते तीखा। चंद्रकला बना रहे हैं जी? तो चंद्रकला में अंदर में क्या क्या चीज़ें डलती हैं? खोवा, कुछ मेवा। इसमें खोया है और मेवा है। हाँ। इसमें बादाम और किशमिश है जी। इसका नाम चंद्रकला क्यों पड़ा? अब ये तो नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है गोल है इसलिए चंद्रमा की तरह। हाँ, इसका नाम पड़ गया। आपको कितना साल हो गया चंद्रकला बनाते हुए? लगभग 1970 से तो चल रहा है ये लिट्टी और ये दोनों साथ में ही करीब। तो ये मैदा है। हाँ। और मैदे के अंदर स्टफिंग करते हैं खोया और ड्राई फ्रूट्स का। हाँ। उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड कर लिया जाता है, और उसके बाद इसको तेल में फ्राई करेंगे। हाँ। उसके बाद चाशनी में डुबाएंगे जी। आपका नाम क्या हुआ सर? किशोर कुमार चौसिया। अच्छा, अच्छा आप भी, आपके ही शॉप है लिट्टी चोखा की भी? वो हमारे बड़े भाई का लड़का हुए। अच्छा, मुन्ना जी। जी जी, उनका उपनाम है मुन्ना जी। हाँ, बड़े भाई हमारे वो लिट्टी वाला उनके डिपार्टमेंट में पड़ गया ये हमारे डिपार्टमेंट में, लेकिन दोनों साथ साथ में ही है। वाह क्या बात है, बिल्कुल चाशनी में डुबो दिया गया। ये हो गया फ्रेश तैयार।
सर अब लगाइएगा हमारे लिए गर्मा गर्म एक चंद्रकला। ये चंद्रकला इसका पूरा बनते हुए हमने ऊपर प्रोसेस देखा कैसे बनाया जाता है। वाह, ऊपर से बिल्कुल क्रंची टेक्सचर, अंदर से सॉफ्ट खोया, साथ में ड्राई फ्रूट्स और चाशनी की मिठास, बहुत ही उम्दा जायका। ये कारखाना है, यहाँ पे ताज़ा सेब बनाया जा रहा है। ये बूंदी है, बुनिया सूहा बनकर तैयार हो जाता है, यहाँ से बनता है वहाँ जाता है। और सेब जो बनता है ऐसे बेसन का बनता है, तो ये सामने फ्रेश सेब बनाया जा रहा है जिसमें चने का बेसन, गोलकी, जीरा और नमक इन सबको मिला के उसके बाद इसको तेल में फ्राई करते हैं और पीछे में इसको साथ ताकि सटे ना आए, खिला खिला बने, इसलिए इसको साथ चलाते रहना चाहिए। ये बूंदी है, ये भी बेसन का ही बनता है, ये भी चने के बेसन का, चने का बेसन का ही। बताइए सेब बूंदिया लोग दही के साथ भी खाते हैं और? हाँ, दोनों चीज से खाते हैं, बूंदिया दही। बहुत आदमी आता है तो सेव बुनिया दही तीनों मिला के खाता है, बहुत आदमी है कि सेव बुनिया खाली खाया, कुछ लोग हैं कि दही बुनिया खाए, तो हमको क्या खिलाएगा? अपना चॉइस, हमको क्या खिलाइएगा? जो खाइएगा वो खिलाएंगे, हमको सेव बुनिया दही खिलाइए, तीनों खिलाएंगे, तीनों मिला के खाइए। तो ज्यादातर लोग शाम में पसंद करते हैं खाना है कि सुबह नाश्ते में भी खाते हैं इसको? ज़्यादा इसको शाम में लोग आदमी ज़्यादा चॉइस करता है, बहुत आदमी दिन में भी खाता है, सुबह में 9 बजे जैसे घर से अकेला कहीं ड्यूटी जाना है तो नाश्ता के रूप में खा लेता है। सर मज़ा आ गया, बहुत ही बढ़िया, सर दही भी बहुत शानदार है। अपना दूध का ना दही जमता है, दूध के से मखनिया से नहीं लिया जाता है, अपना दूध के जमाया जाता है। दही खुद में कितना मीठा है, जिस तरह से दही जलेबी का प्रचलन है उसी तरह से बूंदी और दही का भी खाने का तरीका है जी सेम। और दोनों का मतलब मेरा ये मानना है कि दोनों को डालने से, दही डालने से जलेबी में या दही डालने से बूंदी में कोई मिठास उसकी कट जाती है, दोनों का टेस्ट भी आ जाता है और मीठा थोड़ा कम हो जाता है जी। और साथ में इसमें अच्छा है कि नमकीन भी है, तो नमकीन मीठा सारा स्वाद आपको इसमें मिल रहा है खाने के लिए। बिल्कुल क्रंची टेक्सचर का सेब, सॉफ्ट बिल्कुल चाशनी में डूबी हुई बूंदिया, ऊपर से मीठी दही, वो भी गाढ़ी बिल्कुल क्रीमी, बहुत ही उम्दा। अपनी दुकान के बारे में बताएं, कितने साल पुरानी दुकान है? 50 बरस हो गया, 70 से दुकान है, 71 में मंदिर में हाथ लगा, 70 में जो है 70 से दुकान है। तो मंदिर से पहले आपकी दुकान खुल गई थी? जी, मंदिर हम ये लोग बनाए हैं। अच्छा, आप ही लोग बनाए हैं? जी, दादा उदा बनाए हैं लोग। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? सर मनेर, जहाँ का लड्डू फेमस है। जी, आप बनाते हैं लड्डू? मनेर का लड्डू, मनेर का लड्डू बनता था पहले, लेकिन टूट जाने से व्यवस्था करवाया गया उस तरीका से नहीं। अच्छा, कुछ दो सब बोलिए पटना के बारे में। पटना पटना है, जहाँ हो रोज घटना उनको कहा जाता है पटना। आज की घटना क्या है? आज की घटना ये है कि पेट्रोल 80 रुपया 67 पैसा पर लीटर हो, तो ये घटना है। बिल्कुल कोयले पे पकी हुई, बिना चीनी की चाय हमने लिए, अच्छा मिट्टी के बर्तन का सौंधापन है इसमें और हल्का सा नीचे बर्न टेस्ट भी है, बहुत ही उम्दा। बीबीसी असल में है एक खैनी,
नहीं कह सकते, इसको कहते हैं इंग्लिश में टोबैको कह सकते हैं, टोबैको कहते हैं पत्ता, और यहाँ पे बोला जाता है बीबीसी बुद्धि वर्धक चूर्ण। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। अब सेब बूंदिया साथ में चाय भी काफ़ी अच्छी थी, तो थैंक यू आप दोनों को। गुप्ता जी आपको प्रणाम। क्या क्या है? पुचका, चुरमुर और आलू कट। आलू कट खिलाइए। आलू कट वही है जिसको हम लोग आलू कचालू बोलते हैं, वही है। ये एक और एक बिहार का काफ़ी प्रसिद्ध जायका है, बिहार और कलकत्ता के साइड में मिलता है, इसे आलू कट भी कहते हैं, इसे आलू कचालू भी कहा जाता है। उबले हुए आलू को मसालों के साथ मिला के इसमें नमक, लाल मिर्च, भुना जीरा, काला नमक, साथ में इमली की खटाई और धनिया पत्ता, हरी मिर्च मिलाते हैं, लेकिन लास्ट में जो एंड किया जाता है, जो की इंग्रेडिएंट है, वो है काला चना। इसको मिला के डिश तैयार होती है, काफ़ी पॉपुलर डिश है। मैं आ गया सर गुप्ता जी, मैं तो कह रहा हूँ खा के बिल्कुल बचपन की यादें तो ताज़ा हो गई, जो स्कूल से लौटना और लौट के रास्ते में रुक के आलू कट खाना ही लोग खाते थे, है ना, स्कूल में मिलता था, इसको खाने के बाद स्कूल का याद आ जाता है बच्चेपन का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। एक सूखा वाला बनाते हैं लास्ट में, वो पसंद है कि नहीं? हर टाइप का, हर टाइप का। अच्छा लगा सर? तीखा तीखा है, मीठा खिलाएंगे। इसमें जो चना डाले हैं वो बहुत बढ़िया लग रहा है, और मसाला भी एकदम मसाले, जो आलू भी है बिल्कुल मसालेदार है। हर आदमी जैसा जैसा बोलते हैं, कोई कम मसालेदार, कोई तेज मसाला का। चलिए धन्यवाद गुप्ता जी, इतना अच्छा पोशाक खिलाया आपने और हमारे बचपन की यादें तो ताज़ा की, धन्यवाद। बिहार का एक बहुत ही लोकप्रिय व्यंजन है, शाम के टाइम पे लोग पसंद करते हैं, इसे भुजा कहा जाता है। कढ़ाई में नमक है, इसके साथ यहाँ पे चावल है जिससे मुरमुरा तैयार किया जाता है, साथ में चिवड़ा है उसको भी भूनते हैं, चने को भी भूनते हैं, कॉर्नफ्लेक्स को भी भुना जाता है, और सबको मिला के हरी मिर्च, प्याज, चटनी, सरसों का तेल, इसको मिला के भुजा तैयार होता है। तो सर हमारे लिए एक भुजा बनाइए, एक एक दोना कैसे देते हैं? 16 रुपये 100 ग्राम, 50 ग्राम दीजिएगा। तो इसमें चना, मकई, चावल, कॉर्नफ्लेक्स, सब चीज़ डाल दे, मटर, अंकुरित चना। अब ये डाल दिए चूड़ा और चावल, वो लास्ट में डालते हैं, वो उसको ज़्यादा आज की ज़रूरत नहीं है, नहीं वो जल जाएगा, जल जाएगा पहले। अरे वाह, देखिए ठंड के मौसम में गर्मा गर्म इसका खाने का तो अलग ही आनंद है। नंदू साहब जी कितने साल से भुजा बना रहे हैं आप? ये ना 25 साल, 25 साल हो गया यहीं पे मॉरल लोक कम्प्लेक्स के बाहर। पहले वो टाइटन के पास में थे, अब टाइटन से कहाँ आ गए? अब अब वुडलैंड के सामने आ गए हैं। हाँ चलिए, अब इसको छान लें, अच्छा नमक पूरा छान दिए, है ना, हाँ हाँ क्या बात है। दोनों तरीके से भुजा मिलता है, एक तो सादा भी है और एक प्याज वाला भी है, हमने सादा लिया है, और इसका डिश का नाम भुजा इसलिए कि इसको भूंज के बनाया जाता है, और साथ में इन्होंने दिया है हरी मिर्च, काला नमक, चटनी और चटनी। शनिवार का भुजा खाने से ग्रह रोग कट जाता है। अच्छा, भुजा तो रोज ही खाना चाहिए, रोज खाना चाहिए, इसलिए कि दांत का एक्सरसाइज होता है और लीवर का ठीक रहता है, लेटिंग क्लियर होता है, रोज ही खाना चाहिए। अच्छा, फाइबर मिलता है। हाँ, इसलिए पेट साफ रहता है। हाँ, सबसे अच्छी बात काफ़ी पौष्टिक भी है, न्यूट्रिशियस हाँ, भी है और हाँ, हेल्दी स्नैक है। हाँ ठीक, चलिए धन्यवाद उनके जो। हाँ ठीक है, चलिए भुजा खाते हैं, चलते हैं मिठाई की दुकान पर। पवन सिंह है? हाँ, पवन सिंह, वही जो गाना गाए लॉलीपॉप हाँ, लागे हाँ, लो हाँ, वही गायक का है। वो खाना खा के गए यहाँ पे लिट्टी? हाँ, यहाँ पे आया था।
रोड में चलता तो देसी पाउडर उड़ता, लगा था कि चापाकल में कूद के जान दे दी का, तो दे दो कमरिया करे लापलप लली पॉप लागेलू जिया राजीला घर बात कवन बात के डर बा। ये सोनू भाई है जो मोरे लोक में इनकी लिट्टी की दुकान है, लिट्टी सेक रहे हैं गर्मा गर्म, और इन्होंने फोटो लगाई हुई है पवन सिंह की, जिनका जो गाना है लॉलीपॉप लागेलू पूरा देश उस पर थिरकता है नाचता है, और काफ़ी प्रसिद्ध गाना है वो, और मज़ा आया आपकी आवाज़ सुन के, काफ़ी अच्छा लगा। आइए आपको जायका दिलाते हैं मने के स्पेशल लड्डू का। अच्छा ये बताइए, मनेर के लड्डू को क्या स्पेशल बनाता है, मतलब क्या चीज़ है जो इतनी फेमस हो गई पूरे हिंदुस्तान में? दाना जो है काफ़ी महीन होता है, मतलब बारीक होता है, वो है बूंदी है, और मेन वहाँ पानी का, लोग बताते हैं कि पानी से जो है वो स्वादिष्ट आता है। तो आपकी दुकान तो पटना में है, मनेर में नहीं है, तो इस... तो सारा चीज़ हमारा जो भी है वो में जो भी मिठाई है सब मनेर से ही आता है। तो मनेर से बन के यहाँ पे आता है, यहाँ आता है, यहाँ से 30 किलोमीटर है मनेर। वहाँ मैंने सुना है कि वहाँ पे दो दरगाह है, बड़ी दरगाह छोटी दरगाह। हाँ तो दरगाह वहाँ काफ़ी बड़ी है, मतलब मनेर शरीफ भी कहा जाता है। मनेर शरीफ भी कहा जाता है। तो इसका दाना जो मैं बता रहे हैं बिल्कुल महीन है। हाँ। साथ में ऊपर काजू, किशमिश। हाँ। और साथ में ये खरबूजे का बीज भी है इसमें, मगज। हाँ, ड्राई जो भी है इसमें डाला हुआ है। वाह, ये तो बिल्कुल ऐसे ही जाते ही मुँह में घुल गया। ये आ गया बेलग्रामी, ये छेने की मिठाई है। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली ये फेमस है आरा, एक जगह है आरा, आरा में उद्वंत नगर। तो उद्वंत नगर में जैसे गांव से वो लोग छेना दूध को फाड़ के लाते थे जी, और लोकल जैसे उस समय वो रस्म उसको पकाते थे, करते करते जो वहाँ से काफ़ी फेमस हुआ, तो फिर ये काफ़ी बिहार में प्रचलित हो गया ये मिठाई। तो बिल्कुल शुद्ध छेने की मिठाई है। हाँ बिल्कुल, पनीर छेना और चाशनी बस, और कुछ नहीं। काफ़ी मीठा है, और देखिए पनीर के अंदर में ये ज्याला टाइप का बना हुआ है, तो ये रस को जो है ना एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ एब्जॉर्ब करता है। ये देखें बिल्कुल चाशनी में डूबा हुआ है। यहाँ के लोग चाशनी की मिठाई काफ़ी पसंद करते हैं, मैंने देखा है बिहार में ऐसा देखा जाए तो। हाँ, चाहे वो जलेबी हो, चाहे वो इमरती हो, इमरती हो या फिर काला जामुन हो, डीप फ्राइड और फिर जूसी जूसी, ये टेक्सचर मिठाई पसंद करते हैं लोग। जैसे गांव वगैरह देहात एरिया में वो छेना के जो मिठाई होती है ना, ये सब ज़्यादा पसंद करते हैं। काजू बर्फी संदेशी सब पसंद नहीं आते, मतलब ड्राई आइटम ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। थोड़ा सा उसमें गीलापन होना चाहिए, गीलापन होना चाहिए, थोड़ा सा चाशनी होनी चाहिए उसमें, चाहे वो राजभोग हो। हाँ वो एक्चुअली क्या है, उन लोग को डायबिटीज और ये सब से कोई मतलब नहीं है, लेबोरियस भी होते हैं ना, काम करते हैं, काम करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, दिन भर में 10 किलोमीटर घूमते हैं, तो इन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता जी, जी। घी है, मिठाइयाँ हैं, ये सब सब पच जाता है। हाँ हाँ पचा, सब डाइजेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मगही पान खिलाइए। कौन सा पान खिलाए? मगही, मगही। थोड़ा प्लान में चेंज है, मगही पैक हो रहा है और राजधानी गिलोरी का जायका लिया जा रहा है। सुपारी लेंगे, सली सुपारी लेंगे, कैसा लेंगे? पहले हमको सब सुपारी में डिफरेंस बताइए, गीला सुपारी पता है, सूखा सुपारी पता है? गीला सुपारी में है कि आपका कसैंधापन जो होता है वो गीला पानी में डालने के बाद फुलाने के बाद वो कसैंधा निकल जाता है, ठीक है, पान सॉफ्ट हो जाता है, दांत के लिए थोड़ा सा फायदेमंद है कि दांत पे इफेक्ट कम पड़ता है। आप वही खाते हैं? हाँ हम तो वही खाए, तो हमारे लिए वही लगाइए। और बाकी दो तरह का क्या बताया, वो क्या था, कतरन और कतरन सुपारी जो छलिया टाइप का होता है जी, समझिए कतर देते हैं उसको। हाँ, हाँ। और चौथा? चौथा में सूखा सुपारी घोटा वाला, ये थोड़ा सा कड़ा लगता है खाने। और भुना भी होगा आपके पास? हाँ भुना से। तो पांच वैरायटी का सुपारी है। हाँ, पांच जो आप खाते हैं वो वाला खिलाइए। अपने दुकान के बारे में बताइए, राजधानी पान की शुरुआत कब हुई, कितने साल पहले हुई? ये वो 25 साल पहले से शुरुआत हुआ था, मगर ये दुकान पहले यहाँ से न्यू डाक बंगला में था। अच्छा।
न्यू डाक बंगला कोजी के अपोजिट में था, वहाँ हरिओम कमर्शियल कम्प्लेक्स में। वहाँ से शिफ्टिंग यहाँ मोरिया लोक में आए हम लोग 2000 में। आज 2020 आ गया। बिहार को लोग ऐसे ही बदनाम कर दिया, हम लोग चाहते नहीं है कि बिहार बदनाम हो, के कम से कम पाने के माध्यम से या किसी के माध्यम से हाईलाइटेड हो कि बिहार कम किसी से कम नहीं है। ठीक है ना, बिहार किसी से कम नहीं है और बिहारी भी किसी से कम नहीं है। जबरदस्त। ये असल पान खाने का तरीका है कि पान को चबाया नहीं जाता है, पान को घुलने दिया जाता है, पान को एक साइड में रखें और इसके जो रस है उसका आनंद लें। आनंद ले। अगर तम्बाकू का पान है तो तम्बाकू फेंक दें, अगर मीठा पान है उसका रस अंदर ले लें। राजधानी का तो स्पेशल पान है, बहुत बढ़िया, बहुत ही खुशबूदार पान है आपका। जिया वो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला। काफ़ी देसी स्टाइल में, काफ़ी ऑथेंटिक स्टाइल में बनाया जाता है, बिना किसी तेल को यूज किए बालू में इसे फ्राई करते हैं। नमक में? अच्छा, नमक। बाप रे बाप, बड़ा तीखा था मिर्चा। हमको तो हल्का सा यहाँ लग गया, लहर रहा है। हाँ, ये लीजिए सर, ये एक खाइए, तीखा कम कर देगा। थोड़ा का उपाय है, आप खाइए इतना चला। चलिए, धन्यवाद। पलाली पॉप लागेलु जी, डांस भी करते हैं? नहीं, डांस नहीं करते हैं। चलिए इतना मत करें। चलिए सोनू जी, बढ़िया, धन्यवाद। देखिए कितना बढ़िया फोटो लिए, ऐसे हंस रहा है, देखिए तो बहुत अच्छा। ऐसे हमारे मोबाइल का मजाक उड़ाता है, है?